दोस्तों, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको JF-17 थंडर और भारत के बनाए गए मजेदार समोसे, मेरा मतलब है लास्ट चांस एयरक्राफ्ट, उप्स सॉरी, मेरा मतलब है JF-17 थंडर और इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन के हवाले से कुछ ज्यादा वीडियोस देखने को मिले, क्योंकि मैं तहैया कर चुका हूँ कि इनके तेजस की महानता और तेजस को 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट समझने के हवाले से हवा निकाल कर छोड़ूंगा। दोस्तों, वक्तन फवक्तन पड़ोसी अपने कागज के लड़ाकू विमान पर इतराते रहते हैं। कागज से मेरी मुराद इनके तेजस मार्क 1 वर्जन से है, क्योंकि ये अभी तक प्रोडक्शन लाइन पर भी नहीं आया और हमारे भारतीय इसी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन को जगह जगह कोट करते फिरते हैं, जबकि हम पाकिस्तानी इनकी तरह शौकी नहीं मारते बल्कि हकाइक पर बात करते हैं। अच्छा, इनकी जरा होशियारी देखें कि अपना तो वो जहाज कंपेयर करते हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में है, और पाकिस्तान के JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की कॉन्फ़िगरेशन कोड करते फिरते हैं। लेकिन अब और नहीं दोस्तों, अब इनके गुब्बारे फोड़ेंगे हम और तेजस की 35वीं सालगिरह मनाएंगे। कल इनके महान तेजस विमान ने एक कारनामा अंजाम दिया है और इस कारनामे के बारे में आप सुनेंगे तो यकीनन हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। और वो कारनामा ये है कि कल इस समोसे नुमा जहाज ने इंजन इन ऑपरेशन यानी ऑन इंजन के साथ रिफ्यूलिंग का शानदार मुजाहरा सर अंजाम दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनका महान तेजस जो पड़ोसियों के मुताबिक JF-17 थंडर से बहुत आगे की कोई तोप चीज है, लेकिन हॉट रिफिलिंग करने का कारनामा पहली बार कामयाबी से सरंजाम दे रहा है। यानी एक मामूली सा काम भी तेजस कर दे तो ये बहुत बड़ी न्यूज है भारत में और भारत में रहने वाले तेजस के डाई हार्ट फैंस के लिए। और मेरा ख्याल है कि तेजस अपना इंजन ऑन करता है तो ये भी एक न्यूज बनती होगी, आज तेजस महान ने अपना इंजन ऑन किया। तो ये तेजस बेचारा 4.5 जनरेशन का तैयारा है लेकिन कमजोरी का शिकार है, इसीलिए एरियल रिफिलिंग करने के बजाय रनवे पर खड़े होकर रिफिलिंग कर रहा है। पहले आपको इस अचीवमेंट के बारे में बता दूं जो कल तेजस ने हासिल किए, फिर आपको हॉट रिफिलिंग या हॉट पिट रिफिलिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कल इंडिया के शहर बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने भारत के सो कॉल्ड इंडिजिनस तेजस पर हॉट रिफिलिंग का मुजाहरा किया है और खबर के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में तेजस पहला जहाज है जिसमें ये करने की सलाहियत मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक यानी जराये के मुताबिक अब तेजस का अगला टारगेट है एरियल रिफिलिंग करना और अगले 6 महीने में हो सकता है कि ये कारनामा भी अंजाम दे ले। अब आपको मुख्तसरन बता दूं कि हॉट पिट रिफिलिंग क्या है और इसका मकसद क्या होता है। हॉट पिट रिफिलिंग में होता यह है कि दौरान जंग या कॉम्बैट मिशन में अगर फ्यूल कम हो जाए तो फाइटर एयरक्राफ्ट फ्यूल के लिए नजदीकी बेस पर लैंड करता है और लैंडिंग करने के फौरन बाद डायरेक्ट रिफिलिंग स्टेशन या फिर मोबाइल रिफिलर की मदद से फाइटर एयरक्राफ्ट में ईंधन भरा जाता है। इस दौरान फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन इन ऑपरेशन होता है यानी ऑन होता है और पायलट भी कॉकपिट में मौजूद रहता है। इस टेक्निक के जरिए जहाज में रिफिलिंग का टाइम मिस रह जाता है और रिफिलिंग मुकम्मल होने के बाद फाइटर पायलट अपने एयरक्राफ्ट के साथ वापस मिशन पर चला जाता है। इस टेक्निक के इस्तेमाल करने से फाइटर एयरक्राफ्ट का टर्न अराउंड टाइम काफी कम हो जाता है। यानी अगर किसी आम जहाज में जिसमें हॉट पिट रिफिलिंग की सलाहियत मौजूद ना हो तो इस सूरत में फाइटर पायलट को पहले अपना तैयारा पार्क करना होता है, इसका इंजन ऑफ करके कॉकपिट से बाहर आना होता है और फिर रिफिलिंग का अमल शुरू किया जाता है और इस तरह रिफिलिंग करने में टाइम भी लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अब तेजस से डर लगना शुरू हो गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के JF-17 थंडर जमीन पर लैंड किए बगैर ही हवा में रिफिलिंग कर लेता है, लेकिन तेजस क्योंकि 4.5 जनरेशन का जहाज है तो इसलिए ये भी हॉट रिफिलिंग करना सीख रहा है। एरियल रिफिलिंग करना अगले 6 माह में सीखना शुरू करेगा। आने वाले दिनों में आपको तेजा भाई के बारे में बताना है कि जैसे भारतीय खुद का बनाया हुआ सो कॉल्ड इंडिजिनस कहते नहीं थकते, हकीकत में वो कितना इंडिजिनस है। अब तक के लिए इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और मुझे अपने गाँव में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।